मेरा फिर से सिलेंडर खत्म हो गया है गाइस। इधर से आएगा रोशनी। तो आज मेरा सिलेंडर फिर से खत्म हो गया है, आज मैं शेयर आएगा। और क्या, केटल जो है ना मैंने 3 साल पहले लिया था दिवाली पे, और ये 3 साल से चल रहा है और ये सिर्फ 300 रुपए का है। 300 रुपए का तीन साल से चल रहा है, कैन यू इमेजिन। तो चलिए मैं यहीं बैठी हूँ और हाथ भी सेक रही हूँ और यहीं बैठे बैठे अपना चाय भी बना लूंगी। तो ये ऑन हो गया है, ये देख सकते हैं। तो गाइस चाय मेरी बन गई है, अच्छे से उबल भी गई है। और स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो। मैं सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मेरा सिलेंडर जो है आ गया है और टाइम से पहले आ गया है। और रात को हस्बैंड जो है ना बहुत सारा कढ़ाई पनीर बटर चिकन मंगा दिया था, बटर चिकन खा के ख़त्म कर दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ चावल। और बता दूँ, रात की रोटी बहुत सारी बची है लेकिन रोटी नहीं खाना है। ये देखिए, हस्बैंड ने तवा रोटी, रुमाली रोटी सब मंगा दिया था। ये है टिफिन, तो दिखाती हूँ मैं। इसमें कढ़ाई पनीर बचा हुआ है, बहुत इधर रखती हूँ। तो बहुत सारी चटनी सब्जी सब पड़ा हुआ है। ये है चटनी, हरी चटनी। और बटर चिकन तो खा के ख़त्म कर दिया। ये है प्याज। तो लंच में आज हम यही करने वाले हैं। मिनट, पत्थर हो गया है। तो ये रही सब्जी, कढ़ाई पनीर और बटर चिकन। तो बटर चिकन जो है खा के ख़त्म कर दिया है। बटर चिकन भी बहुत सारा मंगाया था हस्बैंड ने, तो उसका जो है अभी रह गए थोड़े से बर्तन। सिलेंडर मैंने बाहर ही लगा दिया है, अंदर मेरे से नहीं जा रहा। अगर मैं उठा के रखूँगी ना तो मेरे जो है ना नाड़ उखड़ सकती है। बना रही हूँ मैं चावल। और आज मेरे हस्बैंड जो है बिना टिफिन के चले गए हैं, तो चावल मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। थोड़ा सा पानी रह गया है, तो चावल मेरा बन रहा है ऑलमोस्ट। सिलेंडर आ गया टाइम से। और आज मैं टी मेकर में मैंने चाय बनाई है। सुबह नाश्ते में ब्रेड और चाय दे दिया था हस्बैंड को। और एक वीडियो मैंने अभी शूट करके पोस्ट कर दिया है, अब दूसरे वीडियो को शूट करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले करेंगे हम लंच। और यस, मैंने ये वाली पजामी पहन लिया है और ये बहुत ज़्यादा गर्म करती है, काफ़ी मोटा पजामी है। और मुझे इस तरीके की पजामियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये ऊनल का बना हुआ है, ऊन का बना हुआ है, तो मैं विंटर में ना ज़्यादातर इसी तरीके की पजामियाँ पहनती हूँ। तो चलो लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और मैंने लिविंग रूम में इतनी ज़्यादा लाइटिंग कर दी है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग कर दी है कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बार, क्योंकि लिविंग रूम में जो है ना पहले लाइट की थोड़ी सी कमी हो गई थी। और ये देखिए, ये लगा दिया मैंने बड़ा वाला बल्ब। कहाँ गया, हाँ दिख नहीं रहा है। तो काफ़ी लाइटिंग कर दिया है। और इस वाले रूम में लाइटिंग थोड़ी सी कम आती थी, तो इसी वजह से कर दी है मैंने थोड़ी सी लाइटिंग। और अभी मैं कपड़े भी धोकर आई हूँ, थोड़े से सूखने के लिए डाल दिया है। और अब मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी सेकेंड पार्ट। भाई करें ना फिर से कबूतर आ गए। ये देखो, मैंने डारा जो है ना उस तरफ कर दिया है और यहाँ पे लगा दिया अपना बहुत सारा प्लांट। ये मैंने कपड़े धोए हैं बहुत सारे और लगा दिया यहाँ पे, कोने पे प्लांट लगा दिया है। लेकिन ये कबूतर रहने देंगे तो तब ना। और एक मैंने लिया है ये येलो कलर का गेंदे का पौधा, जो हमारे टैंकर वाले भैया है ना, जो पानी वाले भैया है, उनसे मंगाया था गाँव की मिट्टी वाला। तो वो जो है ना थोड़ा सा विलेज में रहते हैं, तो गांव की जो मिट्टी होती है ना वो मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो वो वहाँ से मुझे जाके फ़ोटो निकलवानी पड़ेगी उनकी, बहुत सारी अपनी उनके साथ की मोमेंट की फ़ोटो निकलवानी पड़ेगी। तो फ़ोटो के लिए भी जाना है मुझे। और अभी लंच कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा रेडी शेडी हो गई हूँ। घर के सारे ऑलमोस्ट काम फिनिश हो गया, बस लंच रह गया है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आटा लगा के रख दूंगी, क्योंकि शाम का जो हैटक होता है ना उसको ख़त्म कर दूंगी। तो चलो, मेरा लंच कंप्लीट हो गया है और मुंह जो है ना बहुत तीखा तीखा हो गया है, स्पाइसी स्पाइसी सा मुंह हो गया है। और शाम को जो है मैं ये छोटे छोटे गुलाब जामुन, मतलब रसगुल्ले लेके आई थी, छोटे छोटे वाले,
तो बहुत सारे हैं, देखो पूरा नीचे तक कटोरा ना भरा हुआ है। और हम लोगों के साथ साथ ना ऐसे ही होता है। तो मैं मिठाई पैक करा के लेके आई थी, क्योंकि मुझे जो है ना चढ़ाना था, भगवान को चढ़ाना था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो बीकानेर से ये वाली मिठाइयाँ लेकर आए, ये वाली। और ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि ये मिठाई सबको इतना पसंद है कि सबने खा खा के ख़त्म कर दिया। अब ये लास्ट पीस जो बचा है ना, ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरा हिस्सा है। और सबने, बाप बेटे ने मिलके, मतलब कीड़े हैं मिठाई के, दो के दोनों बाप बेटे ना कीड़े हैं, दोनों ने खा खा के ख़त्म कर दिया। मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैं भी लेकर आई, वो भी लेकर आए। हम लोगों के साथ ना अक्सर ऐसे ही होता है कि कोई चीज़ मैं खरीदती हूँ ना तो वो मुझसे पूछते नहीं है। उनको भी यही लगा कि पूजा करनी है, चढ़ाना है, तो वो भी मिठाई लेकर आ गए और मैं भी मिठाई लेकर आ गई। तो मैं छोटे वाले रसगुल्ले लेकर आ गई, वो बड़ा वाला चमचम लेकर आ गए, व्हाइट वाला। तो चलो इनको इंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। इस लंच भी हो गया, घर के सारे काम भी हो गए, कपड़े भी धुल गए, पूरा घर साफ सुथरा भी हो गया, लंच भी हो गया। अब शाम की बारी है, शाम को देखेंगे। काम बहुत है, दिन बहुत छोटा है, लेकिन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है, मैनेज करना है, हम ही को करना है। और बस चलिए दिखाती हूँ। आई थिंक इसका डबल और भी है मेरे पास। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, और ये चीज़ सच होता है, बट मैं शेयर करना भूल जाती हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे खुद को नहीं पता कौन सी चीज़, कितनी सारी चीज़ें मेरी खो जाती है, मेरे कितने सारे कपड़े, मेरे कितनी सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि मेरी ये चीज़ें और भी है। सच्ची बता रही हूँ, मेरे घर में ना मेरी चीज़ें खोई पड़ी रहती है, मुझे मिलता भी नहीं है, बहुत बार नहीं मिलता है। और खासकर ऐसा होता है जब मुझे चाहिए होता है, तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और आप लोगों को बहुत जल्दी देने वाली हूँ एक लेटेस्ट साड़ी का रिव्यू, जो कि बहुत खूबसूरत साड़ी है। वेट कर रही हूँ जल्दी से रिसीव हो जाए तो आप लोगों को उस साड़ी का रिव्यू देने वाली हूँ। वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मेंशन जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाय बाय। सो गाइज, अभी जो है मैं विशाल मेगा मार्ट में आई हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में जब आई थी उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नया कलेक्शन नहीं आया, पूरा विशाल जो है ना खाली खाली सा लग रहा था, कुछ भी मुझे इनफैक्ट नहीं मिला। तो मैं एक दो चीज़ें ही जो मुझे समझ में आया वो मैं लेके चली गई। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30, 1 बज रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आई, मेरे घर पे ग्रोकरी का जो है डिलीवरी बॉय आ गया था, तो हस्बैंड का बार बार फ़ोन आ गया, तो उन्होंने मेरे को इतना दुखी कर दिया। तो जैसे ही मैं घर आई फिर वो वापस चला गया। अब वो शाम को आएगा 4-5 बजे तक, तो ना इधर की रही ना उधर की रही, किसी काम के लिए निकलो ना घर से बाहर तो बस ऐसी कुछ ना कुछ अड़ंगा जो है ना लग ही जाता है। तो मैं इधर आई और वो ग्रोकरी वाला आज ही आ गया, मुझे पता ही नहीं था। और कल शाम का ऑर्डर कर रखा है ग्रोकरी का आइटम, घर का सारा जो भी राशन होता है हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं, बहुत कम चीज़ें लेते हैं जो है ऑफलाइन। जैसे कि रेगुलर का दूध होता है, बस वही सारी चीज़ें हम जो है लेते हैं। और आटा अब हम जो है ना चक्की से खाते हैं, तो आटा हमने नहीं मंगाया ऑनलाइन इस बार। और बाकी घर की ग्रोकरी की जितनी भी सारी चीज़ें थी ना सब मंगाया है। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ देख रही थी, पर्स देख रही थी, तो एक दीदी थी बोल रही थी कि कुछ बोल रही थी, चलिए सुनते हैं। ऐसे हो जाता है कभी कभी, मिस्टेक हो जाता है। तो मैं जो वॉलेट देख रही थी ना, उस वॉलेट में रेट जो है ना 199 का स्टैंड लगा हुआ था, बट वो बोल रही थी कि इसमें ना आप प्राइस टैग देख के लेना, क्योंकि इसमें जो है ना जो प्राइस टैग मिक्स एंड मैच हो गया। तो वही मैं उनको बोल रही थी कि हाँ कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो है ना निकाल के मिक्स कर देते हैं देख के चीज़ें, तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। वही कह रही है कि जब आप बिलिंग काउंटर पे जाओगे ना, तो आप यहाँ 199 का देख के ले जाओगे और वहाँ पे आपको 299 मांगेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे मेरी वीडियो नीशू शूट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पूरा वीडियो को झकझोर ही देता है। तो मैं यहाँ पे ना अपने लिए नाइट ड्रेस देख रही थी, मुझे एक इनफैक्ट पिछली बार भी पसंद आया था, इस बार भी पसंद आया, जो है ट्रैक सूट जो था वो पसंद आया था, लेकिन 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 गाइस इसमें रसा साइज नहीं मुझे मिला। और निशु यहाँ पे मुझे पूरा शेक कर रहा है, तो आप लोग इस शेक वाली वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कितना शेक कर रहा है। तो मैं बहुत पछता रही हूँ कि लास्ट टाइम मैं जो देख के गई थी ना ट्रैक सूट, उसको क्यों नहीं लिया। एक ये वाला ट्रैक सूट था, बट मैं नहीं लूँगी, क्योंकि बिकॉज मुझे थोड़ा डिफरेंट लेने की आदत है। मैं
तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने छोड़ दिया इस तरीके से कि कोई इसको ना पहन के उल्टा करके रख के इस तरीके से फेंक के चला गया था। लगाया भी नहीं था, तो मैंने कहा निशु तुम यहाँ पे रख दो, इससे अच्छा मुझे पूरा तुम शेक किए जा रहे हो तो तुम इसको यहाँ पे साइड में रख दो। तो मैं फटाफट आई थी, एक्चुअली कुछ काम से मैं आई थी, और तो मैं यहाँ पे आ गई विशाल में, जो कि मेरे घर से 4-5 किलोमीटर समथिंग है। ये एक विशाल है 4-5 किलोमीटर की दूरी पे, तो एक ये विशाल है, उसके बाद काफ़ी दूर दूर है। तो स्टोरेज वगैरह कुछ वैसा है नहीं मेरे घर के आसपास, तो रोड पे मैं आती हूँ, और रोड पे आने के बाद तो मार्केट ही मार्केट है, हर चीज़ यहाँ मिलता है, हर चीज़ अवेलेबल होता है। उसके बाद गाइस शॉपिंग करूँ और भूख ना लगे इससे हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ, तो आ गई मैं अपने फेवरेट प्लेस पे, जो कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पे मैं पीऊँगी कॉफ़ी, और उसके बाद खाएंगे बड़े और कबाब, दही के कबाब, और कॉफ़ी पीऊँगी। और बहुत लेट हो गई थी, बार बार मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ ही जा रहा था, आ ही जा रहा था। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी और कबाब इंजॉय करके ना, खाना जो मैंने ऑर्डर किया था ना, उन सभी को खाना पैक करा के घर लेके गई। तो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, ये है दही के कबाब, जो कि यहाँ के सबसे डिलीशियस डिश है, सबसे टेस्टी है। पता नहीं इसके अंदर क्या स्टफिंग है, लेकिन गाइस आप इसको एक बार ट्राई करोगे ना, तो आपके मुंह से ये मतलब इसका स्वाद नहीं जाएगा। साल भर तक तो आप इसके टेस्ट को भूल नहीं सकते। तो ये है मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कॉफ़ी मुझे अपने हाथ की या फिर घर की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मैं कॉफ़ी अक्सर बाहर का ही पीती हूँ। तो उसके बाद हम इंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद मैं फटाफट घर जाऊंगी। जैसे ही मैं यहाँ से निकली, फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तुम घर पहुँची नहीं, ये वो, जो कि मुझे उन्होंने ही भेजा था अपने किसी काम के लिए, और मैं उनका ही काम करने आई थी, लेकिन उन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है दही के कबाब ही इंजॉय करके फटाफट घर चले जाऊँगी, और खाना पैक करा लिया है मैंने। वेलकम ऑन माई चैनल। तो एक स्लीपर मैंने ये वाला निकाला है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और कितना ज़्यादा क्यूटी पाई है ये। मैंने अपने एक नाइट ड्रेस से मैच करता हुआ लिया था, यहाँ पे ये खुल गया है धोने की वजह से मशीन में। तो सर्दियों के लिए मैंने बहुत क्यूट क्यूट से चप्पल निकाले हैं। एक ये है हमारा क्यूटी पाई, इसका भी यहाँ से ये निकल गया है। तो सेकेंड वाला ये वाला निकाला है, ये पूरी तरीके से सूख गया है, और कितना क्यूट लग रहा है। इसको ना मैं अभी अच्छे से टाकने वाली हूँ, क्योंकि निकल रहे हैं तो ये खराब ना हो जाए। और ये इसके दो कान हैं, ये कान भी यहाँ से निकल गया है। तो इन दोनों को ना मैं अभी सुई धागा से स्टिच कर दूंगी, लाइट कलर के धागे से। तो ये दो क्यूटी पाइसा निकाला है, ये इसका यहाँ से ये निकल रहा है, लौट गया है डिलीवरी बॉय जो आते हैं। तो बताना आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। इसको तो आप पहन के सो भी सकते हो, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ये बिल्कुल स्लीपर की तरह है, तो ये भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए तेज। और एक मैंने ये जींस वाला भी धो दिया है पूरी तरीके से, और एकदम चमक गया है। एक ये मैंने निकाला है, ये निशु के लिए निकाल दिया है मैंने, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं अभी। तो अभी दो तीन ही निकाले हैं मैंने, ये निशु का है, ये मेरा है क्यूटी पाई, और एक ये है, ये भी है, इसको भी साइड में करते हैं। बाथरूम के 4-5 अलग निकाले हैं मैंने, तो इसको भी मैं साइड कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला कितना क्यूट लग रहा है। एक मैंने ये भी निकाला है, ये भी घर का ही स्लीपर है मेरा। और एक मैंने ये निकाला है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ी हो गए, यहाँ पे लगा देती हूँ इसको। तो जो मन करेगा वो पहनूंगी, 1 2 3, ये तो बाहर के हैं दो, तो ये वाले अभी फिलहाल निकाल रही हूँ, बंद कर देती हूँ। जो मन करेगा वो पहनूंगी बदल बदल के। तो ये मैंने कुछ सामान लिया है विशाल से, अपने पास ही रखती हूँ।
तो घर के काम ऑलमोस्ट डन, किचन की क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन, सारी हो चुकी है।